इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो जय विकास से संबंधित है। जय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल संरचनाओं से विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसके द्वारा सरल जीवधारियों से जटिल जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। ऐसी प्रक्रिया को जय विकास आर्गेनिक के रूप से करते हैं। जय विकास के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। इन प्रमाणों में हम शरीर संरचना से प्रमाण दे सकते हैं। शरीर संरचना से प्रमाण में हमको शरीर के अंदर दो तरह के अंग दिखते हैं। जीवधारियों में कितने तरह के अंग दिखते हैं? दो प्रकार के अंग दिखते हैं, एक समजातक, दूसरा समरूप। समजातकता जिसको हम होमन कहते हैं, समजातकता या समजातक ऐसे अंग हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसे होती है, जिनमें मौलिकता पाई जाती है, जो बेसिकली एक जैसे होते हैं, ऐसे अंगों को हम समजातक बताते हैं। इसे हम समजातकता या होमोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मानव के हाथ, पक्षियों के पंख, घोड़ों के अग्रपाद, चंद्रावर के पंख, इसलिए उत्पत्ति एक जैसे है, इसलिए ऐसे अंगों को हम समजातक कहते हैं। ये अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए बाहरी रूप से हमको एक जैसे दिखाई देते हैं। जो समजातक होते हैं वो जय विकास, वो जो जय विकास है अब सारी जय विकास जो समजातक होते हैं वो कैसे जय विकास का प्रमाण होते हैं? आप सारी जय विकास डायवर्जेंट इवोल्यूशन का प्रमाण होते हैं। दूसरा है समरूपता, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी जो समरूपता है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अब सारी जय विकास का प्रमाण है। युद्धारियों के ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसे भले ही हो लेकिन कार्य की समानता के कारण ऐसे अंग एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे अंगों को हम समरूप अंग एनालॉजस आगे करते हैं। इस गुण को हम समरूपता एनालॉजी करते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मानव के हाथ और हाथी के सूंड, ये दोनों कैसे हैं? दोनों एक तरह के कार्य। हाथी अपने सूंड से प्रतिपक्षों को पकड़ने का काम करता है, मानव भी अपने हाथ से पकड़ने का काम करता है। हाँ, ये दोनों कार्य एक जैसे हैं लेकिन उत्पत्ति जैसे नहीं। इसी तरह से पक्षियों के भी पंख होते हैं, कीटों के भी पंख होते हैं, लेकिन इनमें मौलिकता नहीं होती, इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न है, ये केवल देखने में जैसे होते हैं। इसलिए जो संरचना देखने में जैसे होती लेकिन उत्पत्ति और विकास में एक जैसे न हो, ऐसे संरचनाओं को हम समरूप संरचना कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। इसका उदाहरण आलू और शकरकंद हो जाएगा। आलू प्रोटेक्ट जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है और ये जो शकरकंद सुगर जो ये क्या है? एक मॉडिफाइड रूट, एक जड़ है और एक तना है, लेकिन दोनों भूमिगत है। इसलिए ये आलू और शकरकंद किसके उदाहरण है? ये सभी समरूप अंगों के उदाहरण है।